दोस्तों, जैसे कि आज भी मार्केट डाउन में क्लोज हुआ और मार्केट जो गिर रहा है पिछले 7 दिन से हर दिन के लो के नीचे क्लोज हो रहा है और ये मार्केट का रिकॉर्ड है। जैसे कि मार्केट ने आई थिंक कोविड के बाद इतना बड़ा रिकॉर्ड यानी कि रोज गिरना कंसेक्यूटिव 7 दिन ये अभी बना रहा है। और कल जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट डे, कल जो है कि आरबीआई पॉलिसी है एज पर माई नॉलेज। तो आरबीआई पॉलिसी का इम्पैक्ट अपने मार्केट पे ऊपर क्या हो सकता है इसके बारे में मैं डिटेल में जानकारी दूंगा और उसके बाद हम लोग देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मूवमेंट रहेगा उसके ऊपर मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊंगा। तो आप ये वीडियो आगे तक देखते रहो। तो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करेंगे पहला आरबीआई पॉलिसी से और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में हमारा फ्यूचर ऑप्शन एडवांस का कोर्स शुरू हो रहा है। जिनको भी इंटरेस्ट रहेगा दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो चलिए हम लोग पहले आरबीआई पॉलिसी के बारे में बात करते हैं और फिर हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर दे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा मैं देख रहा हूँ investing.com के ऊपर, जहाँ पे आरबीआई पॉलिसी जो है कि 30 सितंबर यानी कल है और अपना यहाँ पे रेपो रेट का है 5.4। तो ये क्या होता है और मैं आपको बहुत ही इसमें डिटेल में बताऊंगा। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं चार्ट के ऊपर और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि निफ्टी का चार्ट, तो उसके साइड में मैं आपको समझाऊंगा और उसके बाद हम लोग जो है कि ये करेंगे कि एनालिसिस। तो यहाँ पे जो आरबीआई पॉलिसी होते हैं उसमें क्या क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। तो पहले होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। तो सीआरआर जो है कि अपना करंटली सीआरआर है 4.5। तो सीआरआर जो है कि यहाँ पे मोस्टली चेंज होने का चांसेस नहीं है। सीआरआर मीन्स क्या होता है कि जैसे कि आरबीआई है और आरबीआई और अदर बैंक होते हैं और जो होते हैं कि अदर्स बैंक, तो अदर बैंक्स जब भी शुरू होते हैं तो उनको जो है कि कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के पास रखना पड़ता है एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये सीआरआर ये ज्यादा चेंज नहीं होता है। उसके बाद है रेपो रेट, तो रेपो रेट ये मोस्टली चेंज होते रहता है और अपना जो करंट रेपो रेट है वो है 5.4। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट, तो अपना रिवर्स रेपो रेट जो है कि वो है 3.35। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब भी अदर बैंक के पास पैसा होता है और आरबीआई के पास रखते हैं तो उनको ये रिवर्स रेपो रेट इतना चार्ज होता है। और उसके बाद जो आता है वो है एसएलआर, स्टेट्यूटरी लिक्विड रेशियो। तो एसएलआर जो है कि ऑलमोस्ट अपना 18% है, 18 है। तो यहाँ पे एसएलआर भी ज्यादा चेंज नहीं होता है, तो चेंज होता है वो रेपो रेट। तो ये रेपो रेट चेंज होता है अभी है 5.4, तो यहाँ पे गुंजाइश जो है कि 0.5 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। जो मार्केट जो गिर रहा है तो उसके एंटिसिपेशन भी गिर रहा है, तो अगर 0.5 अगर ये बढ़ाते हैं जो कि रेपो रेट, तो मार्केट अभी लगता नहीं कि और भी गिरेगा क्योंकि इसने एंटिसिपेशन किया है मार्केट ने। लेकिन 0.5 से ज्यादा अगर बढ़ता है तो मार्केट ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। लेकिन मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है कि मैं आपको एनालिसिस करूंगा निफ्टी का, तभी मैं बताऊंगा। बट मार्केट में क्या होता है, जब भी जो है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाते तो मार्केट के लिए नेगेटिव है और इंटरेस्ट रेट कट करते तो पॉजिटिव है। ये हो गया बेसिक चीज। लेकिन मार्केट अभी कहाँ पे है और कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं इसका भी इम्पैक्ट होता है। अगर हम लोग एक्सपेक्ट करें कि 0.50 BPS बढ़ा देंगे तो ऑलरेडी उसके लिए मार्केट ने रिएक्शन किया। तो कल ऐसे नहीं हुआ कि आरबीआई पॉलिसी में 0.50 BPS बढ़ा देंगे और मार्केट ये ऑल ऑफ सडन ज्यादा गिरेगा, तो उसने ऑलरेडी डिस्काउंट किया है। बट क्या होता है कि हम लोग लेवल भी देखेंगे, लेवल पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो भी देखेंगे। बट एक नॉर्मली अगर 0.5 BPS अगर ये बढ़ता है इंटरेस्ट रेट तो थोड़ा सा निगेट यानी कि न्यूट्रल है, ज्यादा बढ़ता तो निगेटिव है, अगर नहीं बढ़ता है तो थोड़ा मार्केट के लिए राहत मिल सकती है और मार्केट थोड़ा रिकवर भी कर सकता है। बट एवरीथिंग डिपेंड ऑन कि जो बायर और सेलर कैसे मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, उसके लिए हम लोग चार्ट भी देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग निफ्टी का चार्ट यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके देखेंगे। तो मैंने क्या कहा था निफ्टी के बारे में, चार्ट के बारे में, और हम लोग कैसे रीड करते हैं पहले ये करेंगे। तो जैसे कि मार्केट नीचे से ऊपर आता मैंने आपको प्रॉपर सब लेवल भी दिए थे और मार्केट वैसे चला भी। लेकिन जब भी मार्केट ने एम पैटर्न बनाया तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इसके नीचे जाएगा तो नेगेटिव है और नीचे का टारगेट भी दिया था यहाँ पे। अभी तक मार्केट गया नहीं, लेकिन
देखो कि पिछले 7 दिन से मार्केट वन साइड नीचे आ रहा है, तो ये आरबीआई पॉलिसी की पहले और जैसे कि फेड का पॉलिसी होता है, इसका भी इम्पैक्ट हुआ था। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता भी है तो जैसे पहले मार्केट गिरा है तो और भी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ये डिपेंड करता है कि अगर बायर और सेलर के पोजिशन कैसे है। बट और भी बढ़ता है तो ज्यादा गिरने से ऐसा नहीं लगता कि गिर सकता है। बट अगर हम लोग चार्ट के ऊपर देखेंगे तो जो है कि चार्ट पूरा नेगेटिव है और नेक्स्ट लेवल क्या हो सकते हैं हम लोग देखेंगे। और जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि एक्सपायरी कहाँ हो सकती है, 16,800 और 16,000-17,000 के बीच में, तो बरोबर है कि 16,800 के थोड़े ऊपर यहाँ पे एक्सपायरी हो गई। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कॉल और पुट आप बेच सकते हैं, 17,000 का कॉल और 16,800 का पुट अगर आप बेचते तो आज आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। अगर देखो कि आईबी बढ़ गया था तो देखो कि जितने भी मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ वो भी बरोबर होते हैं। तो ये आपको पूरे स्ट्रेटेजी सीखना है तो हमारा जो ऑप्शन का कोर्स आ रहा है उसमें मैं आपको एकदम परफेक्टली जो कि डेल्टा गामा थीटा ये सब एवरीथिंग उसमें सिखाऊंगा। तो आपको इंटरेस्ट रहेगा तो उसके लिए कॉल कर सकते हैं। हम लोग आते हैं कि अभी मार्केट कहाँ पे मिस जा सकता है। अगर मैंने ये लेवल निकाला तो यहाँ पे जो कि 16,821 और मार्केट 818 इसके नीचे क्लोज हुआ है, यानी मार्केट ने यहाँ पे कल का लो है उसके नीचे भी एक और मोमेंटम किया है। तो हम लोग यहाँ पे ये लो के यहाँ पे भी एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, तो ऑलमोस्ट वो जो आ रहा है हम लोग प्रॉपर देखेंगे 16,787 एक हल्के लिए इम्पोर्टेंस होगा। ये लेवल के नीचे मार्केट जाता है तो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा यहाँ पे वो हो सकता है 16,654। यहाँ पे देखिए कि ये गैप है तो मार्केट इतना नजदीक आया तो गैप फिल करेगा, क्योंकि मार्केट गैप फिल करता है अगर वो नजदीक आता है, तो यहाँ तक आने की मार्केट की गुंजाइश है। अगर हमको लगता है कि हम लोग सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा और आरबीआई पॉलिसी को मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, तो अगर मार्केट जो है कि 16,969 ये जो लेवल आज भी उसके ऊपर गया था और उसके ऊपर जाता है, या फिर ये जो आज का कैंडल आया उसके हाई के ऊपर भी जाता है, तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन एक शॉर्ट टर्म के लिए होगा। अगर मार्केट को हमको कंप्लीटली पॉजिटिव समझना है कि मार्केट रिवर्सल होगा, तो ये जो हमारा डबल टॉप था उसका ब्रेकआउट हुआ है 17,164 के ऊपर, जब भी मार्केट जाके क्लोज होगा तभी हम सोचते हैं कि यहाँ से फिर से रिवर्सल होगा। तो मार्केट के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइड ही देखेंगे। ओके, लेकिन अगर मार्केट है कभी भी रिवर्स हो सकता है। तो हमको क्या करना है, हमको लेवल के ऊपर ध्यान देना है, ना कि हमको क्या लगता है वो देखना है, राइट। तो मार्केट के कल का जो दिन है बहुत ही बड़ा दिन है, यानी कि बिग इवेंट है, तो यहाँ पे संभल के ट्रेड करना चाहिए। और अगर पॉलिसी कल डिक्लेयर होता है तो पॉलिसी में कैसा मार्केट बिहेव करता है वो लेवल पे देखना है। तो पॉलिसी जो है कि मैंने इनको जो कि investing.com पे देखा है, तो एज पर मेरा जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेस से मैं बोल रहा हूँ, राइट। तो अगर पॉलिसी भी ना हो तो हमारे लेवल तो वर्क करते हैं, यानी कि हमको लेवल के ऊपर देखना है। जैसे कि 16,787 के नीचे अगर जाता है तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। बाइंग के लिए हम लोग थोड़ा सा नजदीक वाला लेवल लेते हैं। यहाँ पे अगर हमको कल बाइंग करना है तो वो लेवल होगा यहाँ पे 16,884 के ऊपर हम लोग बाइंग कर सकते हैं। और जो बाकी ऊपर और नीचे आपको लेवल अगर दिखते होंगे इंट्राडे में, तो वो लेवल हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, कहाँ पे सपोर्ट लेता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, अपने लेवल वर्क होते हैं, इसलिए ऑलवेज आप उसको फॉलो करना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी। तो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी भी आप देखोगे तो चार्ट के ऊपर अगर आप लाइन से देखोगे तो यहाँ पे कम से कम 7 कैंडल है जो रेड है, ऐसे बहुत रेयरली होता है। अगर आप पीछे जाकर देखोगे तो कोरोना में जो करेक्शन हुआ था आई थिंक उससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। बट एनीवे हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी जो है कि 112 पॉइंट नेगेटिव है। और कल जैसे कि आरबीआई पॉलिसी का इम्पैक्ट होगा तो और भी नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी वॉलेटिलिटी हो सकता है। कल के लिए हमको जो लेवल देखना है तो आज का जो लो रहेगा यहाँ पे भी अगर हम लोग देखते हैं तो थोड़ा मार्केट ये लो लेवल पे पास आया था, तो ये लेवल हमारे लिए 37,537 ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस हो सकता है। उसके बाद 37,242 है, ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंस रहेगा। यहाँ पे बहुत ही सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट है और नीचे गैप भी है, तो नीचे वाला लेवल हो सकता है फिर 36,819 ये हो सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव आने के लिए रिवर्सल होगा 38,493 के ऊपर ही अच्छा खासा यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है, तो उसके लिए वेट करना। ऊपर भी कुछ गैप है और नीचे भी, तो कौन से गैप फील होते हैं, जिस गैप के नजदीक होगा, जैसे कि ये अभी नीचे वाला थोड़ा सा गैप यहाँ पे फील होते हुए दिख रहा है, तो
बट आपको लेवल जो मैंने लेवल दिया है उसके ऊपर एक करना है। हम लोग इंट्राडे में देखेंगे बैंक निफ्टी में, तो जैसे कि 37,537 जो लेवल है जो अभी हमने निकाला, और उसके नीचे हम लोग सेल करेंगे, और बाइंग के लिए वो रहेगा 37,845 के ऊपर अगर जाता तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, जो कि ऑलरेडी भी आज भी ये लेवल था जो वर्क हुआ देखिए कि प्रॉपर एकदम यहाँ पे लेवल वर्क हो रहे हैं। दोस्तों कल मैंने कुछ कॉल दिए थे बाइंग के लिए, और यहाँ पे आज एक्सपायरी था तो मैंने कम कॉल दिए, लेकिन देखिए कि अपोलो हॉस्पिटल ऑन डॉट अपना टारगेट के ऊपर गया, थोड़ा ऊपर भी गया। अगर आप इंटरनेट में देखोगे कि जैसे मैं बोलता हूँ कि जब भी प्राइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे आने के बाद ये लेवल को रिट्रेस किया और ऊपर गया और प्रॉपर टारगेट किया, तो ऐसे होना चाहिए। दूसरा हमने कॉल दिया था टीसीएस, तो टीसीएस के बारे में कहता हूँ तो आपको लगेगा कि अपने लेवल के ऊपर गया था। नहीं, हम लोग 5 मिनट में देखेंगे तो देखिए कि कैसे दिखता है ये। यहाँ पे देखो ये ओपन ही ऊपर होके नीचे आया, हमको बाय कभी करना है जब ये नीचे से ऊपर जाता है, या ऊपर ओपन होने का सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाता है तभी करना है, यानी हमारा ये एग्जीक्यूटिव नहीं हुआ, ओके इनिशिएट नहीं हुआ, तो हमारा एक इनिशिएट हुआ और वो 100% चला, तो अपना स्ट्राइक रेट अच्छा है। और कल जैसे कि आरबीआई पॉलिसी होगा तो फिर आपको कम कॉल में ट्रेड करना चाहिए, तो पहले मैं कॉल जो देता हूँ आपको इंडस बैंक, और ये जो कॉल आज मुझे मिल रहे तो सेलिंग के रहेंगे, तो कल मार्केट नेगेटिव हो रहेगा तो ये एग्जीक्यूट करो, और ये लेवल आते तो ये एग्जीक्यूट करो। तो पहले यहाँ पे इंडस बैंक में हम लोग देखेंगे कि एक सपोर्ट जो लेवल है उसको अप्रोच कर रहा है 1132, ये लेवल के इधर इसने होल्ड किया है, अगर ये ब्रेक करता है तो 1106 तक आ सकता है, तो ये सेलिंग के लिए कॉल है। दूसरा एचडीएफसी लिमिटेड में भी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो एक सपोर्ट एरिया पे आके खड़ा है, और यहाँ पे कल से कैंडल से ये लो है, और ये अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो ये लेवल जो है रहेगा 2228 के नीचे, इसको सेल करेंगे 2194 का टारगेट आ सकता है। तो दोस्तों जिन स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसे कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक ऐसे चलने चाहिए, इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे ही मेरे साथ टेक्निकल से सीखना है लाइव मार्केट ऑनलाइन में, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हो। हमारा फ्यूचर ऑप्शन एडवांस का कोर्स आ रहा है, उसमें पूरे डिटेल में फ्यूचर ऑप्शन आपको सिखाया जाएगा, आपको इंटरेस्ट रहेगा तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे फ्यूचर ऑप्शन का भी इंक्वायरी कर सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जय हिंद।